जी इस वक्त हम मौजूद है थाना बंबावाला का इलाका गूंद के में, जहां पर 19 फरवरी को पोलिंग के दौरान जिशान भट्ट को नामजद मसल्ला मुलजमान ने कत्ल कर दिया। और बात करते हैं जिशान भट्ट के करीबी अजीजों से कि वजह तनाजा क्या था और कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपके साथ इतना बड़ा जुर्म किया है। जी सवेर तो लैके शाम तक कोई मीडिया वाले तुम्हें तो पता लग गया होगा, उन्हों का मिशन ये ही कि ये काम होया शैतान को मेरा बोल ना पैन शैतानी करे शैतानी कर जाते हैं तो घर तो भी तबाह होगा। हूँ वह भी साडा बच्चा है, ये भी साडा बच्चा है। गल ये वे कि इस पिंड कभी कोई लड़ाई नहीं, ये मेरी गुप्पी है। मैं काफ़ी देर बाद आया क्योंकि मैं इतने नहीं हूँ, मैं भी बाहर हूँ। जो मैं सुनिया सब तो पहला मैं सुनिया मैं हैं वो मेरी गुप्पी दे बच्चे उन्हें आख्या हस्पताल ना वार समा ना रखे है, कम करो वरना मैं इतने गोलियां चला दाँगा। ठीक है तो गल कर बच्चे उन्हें वेख्या भी नहीं, बच्चे बस तरफ के मर गया। मुतालबा यह भी कि गवर्नमेंट ने वजीरे आला को तो सू कोई किसी चीज़ की जी उम्मीद ही नहीं, असं चीफ जस्टिस ना मुतालबा करने कि सू इंसाफ दिता जाए साढ़े बच्चों, जोड़ा परचा होया ठीक है असं भुगतान गए, जो असं झूठे होए तो असं गुनागार होए तो असं इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं, लेकिन वो गुनागार हो के भी सच्चे हो गए ने, बच्चा साडा मार दिता ने। तुहाडा मुतालबा ये वे कि जिहड़ी तुहाडा जिहड़ा बच्चा मर्डर होया ओहदी एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए उन्हें, क्योंकि चौथा तीसरा दिन है उन्हें उरे वाल साहब नूं मिलन नहीं दिता गया, ये कित्थों दा इंसाफ। तुहाडा ही बच्चा कतल होया और उल्टा तुहाडे ही बच्चे ते एफआईआर भी हो गई, एफआईआर हो गई जी। ठीक है जी मेरे भाई की नाम थोड़ा? जी मेरा नाम अली रजा। अच्छा अली रजा भाई मैं ये दसो कि जो बच्चा फौत होया वह रिश्ता जी मेरा भरा जी की कहना चाहते हो? जी मैं कहना चाहता मेरा भरा छोटा जेल के बन के तो सू एक भी मुलाकात नहीं कराई, उस तो बाद छोटा भरा फौत होया हस्पताल दाखिल तक नहीं होता, बाहर तरफ तरफ के मर गया, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਾਲਬਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ, ਮਤਾਲਬਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਫ ਅੱਗੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। जी आप बातें सुन रहे थे मकतूल जिशान भट्ट के नुआकीन की, उनका यही कहना है कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है, एक तो हमारे बच्चे को इन लोगों ने कत्ल कर दिया और दूसरी हमारे खिलाफ ही 302 की एफआईआर दर्ज करवा दी, और जो हम मेरा बेटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है आज 4 रोज गुजर गए हैं अभी तक हमें मुलाकात करने नहीं दी जा रही। हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आर्मी चीफ से यही अपील है कि खुदा रहा हमारे साथ इंसाफ किया जाए, अगर हमारा मजीद कोई जानी या माली नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार भी हमारे महालफिन होंगे। कैमरामैन शहजेब के साथ हामद अली सोहल, हकायक न्यूज़, गुजरावा।